हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर ओडिसियस एंड द बैग ऑफ विंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एट लास्ट ही पुल्ड आउट अ वाइट रैग ऑफ अ थिंग, अ कॉर्नर ऑफ अ वेस्टर्ली ब्रीज, हु इज ही। तो इस लाइन में ही कौन है? आंसर, ही इज द किंग ऑफ एओलिया। बी, व्हाई डिड ही पुल आउट अ वेस्टर्ली ब्रीज? उसने वेस्टर्ली ब्रीज को क्यों निकाला? आंसर, ही पुल्ड आउट अ वेस्टर्ली ब्रीज सो दैट ही कुड हेल्प ओडिसियस टू रीच हिज होम टाउन इथाका। तो किंग ऑफ एओलिया के जो राजा थे उन्होंने वेस्टर्ली ब्रीज को बैग के अंदर से इसलिए निकाला ताकि वो ओडिसियस को हेल्प कर सके उसे उसके होम टाउन इथाका तक पहुंचने में। सी, What advice did he give the person? और उन्होंने ओडिसियस को क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी? आंसर, he advised the person to keep rest of the winds tied up safely in the bag. तो एओलिया के जो राजा हैं उन्होंने ओडिसियस को ये सलाह दी, ये एडवाइस दिया कि बाकी के जो विंग्स हैं उन्हें बिल्कुल सेफली बैग के अंदर ही रखना है, उन विंग्स को बैग से बाहर नहीं निकालना है, उन्हें सेफली बैग के अंदर ही रखना है। 2. He said it was treasure and we are not to lay hands on it. Is this how a king shares his winnings? Who said this? तो ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा? आंसर, यूरिलोकस said this. तो इस सेंटेंस को यूरिलोकस ने कहा। बी, what was he referring to? तो इस सेंटेंस में यूरिलोकस किस चीज के बारे में कह रहा है? आंसर, he was referring to the bag of winds gifted to Odysseus by the king of Aeolia. तो इस सेंटेंस में यूरिलोकस जो है वो बैग ऑफ विंग्स के बारे में बात कर रहा है जो कि एओलिया के राजा ने ओडिसियस को तोहफे के तौर पर दिया है। सी, why did he feel this way? उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ? आंसर, he felt this way because Odysseus said no one will touch the bag. Eurylochus thought there must be some gold or jewels which he is keeping for himself. यूरिलोकस को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि ओडिसियस ने साफ कह दिया था कि कोई भी इस बैग को टच नहीं करेगा। तो यूरिलोकस ने सोचा कि जरूर इस बैग के अंदर गोल्ड और ज्वेलरीज हैं जो कि ओडिसियस किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता है, सिर्फ अपने लिए रखना चाहता है। 3. Someone take the tiller. I must sleep. I can't stay awake another moment. Who said this? तो ये किसने कहा? आंसर, ओडिसियस said this. तो ये जो सेंटेंस है ये ओडिसियस ने कहा। बी, Why couldn't he stay awake another moment? ओडिसियस अब एक और पल भी ज्यादा क्यों नहीं जाग सका? आंसर, He couldn't stay awake another moment because he was continuously guarding the bag from 10 days and didn't leave it to snatch an hour's rest. When he saw the shore of Ithaca came into view, he felt safe and slept. ओडिसियस अब एक और पल भी इससे ज्यादा इसलिए नहीं जाग सका क्योंकि वो 10 दिनों से कंटिन्यूअसली उस बैग पर ध्यान दे रहा था, उस बैग को गार्ड कर रहा था और इस दौरान उसने एक घंटे के आराम के लिए भी उस बैग को नहीं छोड़ा था। जब उसे अपने होम टाउन इथाका का किनारा नजर आया तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली और वो सोने चला गया। सी, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस? तो इसके बाद क्या हुआ? आंसर, आफ्टर दिस यूरिलोकस लूजेंड जस्ट वन ऑफ द 7 कॉर्ड्स ऑफ द बैग। उसके बाद यूरिलोकस ने 7 कॉर्ड्स में से एक कॉर्ड को ढीला कर दिया जिससे विंग्स का बैग बंधा हुआ था। सो That's all. Hope आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आप कभी भी कुछ डाउट्स है then go through the video one more time. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.